हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस और मैथ की। तो ठीक है, अब रिएक्ट जेएस होता गया है। पहले तो रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे सब कुछ रिटर्न है यहाँ पे, और ये आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है जिससे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो आज का वीडियो हमारा टोटली फोकस है, और आपने टाइटल में भी देखा होगा, आज हम रिएक्ट जेएस डेवलपर के रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर भी कहलाता है। तो बढ़ते हमारे वीडियो में। हमारा फर्स्ट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपको पूरा स्टार्ट टू एंड सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, थोड़ा एडवांस कि किस तरीके से क्या काम होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, जावास्क्रिप्ट का बेसिक पॉइंट तो सीखना है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स जो हम देखते हैं ये दो तरीके से होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। इन्हीं में हमारा जो रिएक्ट है वो वर्क करता है। पहले हम क्लास कंपोनेंट्स में वर्क करते थे, अब मेनली हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में वर्क करते हैं। इसमें आता है स्टेट प्रॉप्स, ठीक है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, देन उसके बाद आपको कंडीशनल रेंडरिंग देखना है और लाइफ साइकिल मेथड देखना है। लाइफ साइकिल मेथड जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देन इसके बाद आपको जो आता है रिएक्ट राउटर्स का यूज करना होता है, जो आपको पेज नेविगेशन में। इसके बाद आपको देखना होगा हुक्स, इसमें आते हैं बेसिक हुक्स और एडवांस हुक्स। बेसिक हुक्स आप देखेंगे तो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूज इफेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूज कॉन्टेक्स्ट आता है, यूज रेफ आता है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन हुक्स हैं जैसे कि यूज मेमो, यूज कॉल बैक, ये सब आपको देखना होंगे। ओके, सो अब हम बात करेंगे स्टेट मैनेजमेंट में। अब स्टेट मैनेजमेंट है ना, थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। जो हम लोकल स्टेट मैनेजमेंट करते हैं रिएक्ट में, वो आपके थ्रू आउट फंक्शन, उसी फंक्शन में जो हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं वो इस यूज स्टेट के थ्रू होते हैं। बट हमें एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का भी रिक्वायरमेंट होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट का हेल्प ले सकते हैं, या तो स्टोरेज के लिए हम रिडक्स रिडक्स टूलकिट का यूज कर सकते हैं। आप इसमें से कोई सा भी प्रेफर कर सकते हैं, बट आपको कॉन्टेक्स्ट और एक कोई स्टोरेज, ग्लोबल स्टोरेज के लिए रिडक्स मोबेक्स, इसमें से कोई एक पिक करना होगा। आप रिकॉल भी यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट। तो अब स्टाइलिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं कि एज अ डेवलपर आपको स्टाइलिंग आना भी जरूरी है। तो स्टाइलिंग में आप टेलविंड और मटेरियल यूआई इनको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबको भी आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पेजेस पे जो भी दिखा रहे हैं वो सब कुछ अनयूज डाटा है, बट जो प्रेफरेंस है आप वो उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं एपीआई कॉल्स के बारे में। अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने बेसिक यूआई पे ही वर्क किया था, अब हम बैकएंड से कनेक्शन चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी एपीआई कॉल्स के बारे में बात करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, रेस्ट एपीआई के साथ जाएं या ग्राफक्यूएल के साथ जाएं। रेस्ट एपीआई में आप आएंगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप फेच और एक्सियोस को प्रेफर करें। देन फर्स्ट ये दो पैकेजेस के थ्रू आप एपीआई कॉल प्रॉपर तरीके से सीख गए। देन आपको एडवांस जाना है तो आप रिएक्ट क्वेरी का यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। देन अब रेस्ट एपीआई जब हमने कंप्लीट कर लिया, तब आप ग्राफक्यूएल के बारे में देख सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, जैसे आपने जब रेस्ट स्टार्ट किया होगा, यहाँ पे होंगे गेट पोस्ट के बारे में बात हो रही होगी, यहाँ पे वो सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो टर्मिनोलॉजी ही बदल जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको जो है अपोलो और रिले जो है एक मेन पार्ट है, आप इनको ये सीख सकते हैं, ठीक है। करते हैं फॉर्म्स और फ्रेमवर्क्स के बारे में। तो फॉर्म्स में अभी आप जब एपीआई कॉल सीख चुके हैं, तो अब आपको फॉर्म्स भी डेवलप करना है, फॉर्म हैंडलिंग करेंगे। फॉर्म हैंडलिंग करने के लिए हम रिएक्ट हुक फॉर्म्स और फॉर्मिक एक प्रिफर्ड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगर इसमें और थोड़ा डिटेल कंपैरिजन चाहिए तो आप मेरी एक और वीडियो है इनका कंपैरिजन पर, उसको चेकआउट कर सकते हैं। देन फ्रेमवर्क्स की बात करें, तो जब आप रिएक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, तो आप नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क जो कि मैं आपको प्रेफर करने के लिए बोलूंगा वो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हेल्प होती है, किसी हम इसमें एक कंपेरिजन वीडियो जरूर देखेगी इन दोनों का क्या होता है, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का। इसके बाद जो हम देखना चाहते हैं टेस्टिंग में, हम इनको बहुत ज्यादा तो नहीं, बट इनिशियल एक यूनिट टेस्टिंग आना खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑटोमेट टेस्टिंग के लिए हम जेस्ट फ्रेमवर्क को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हम करना चाहते हैं बेसिकली कि हमने जो बनाया है वो प्रॉपर किस तरीके से चल रहा है कि नहीं, ये हमें पता हो। ओके, सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी हम क्या देखने वाले हैं। पहले जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेशन, सब कुछ बेसिक्स हमें आना चाहिए। देन उसके बाद हम कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है। उसके बाद हमें हुक्स के बारे में देखना होगा कि बेसिक और एडवांस हुक्स किस तरीके से काम कर सकते हैं और कस्टम हुक हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, रिडक्स जो है तो उसका क्या यूज होता है, आप रिडक्स रिडक्स टूलकिट या मोबिक्स किसी भी
फ्रेमवर्क को चूज किसी भी लाइब्रेरी या पैकेज को चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में आपको टेलबिंट या मटेरियल यूआई, इसमें से आप कोई सा भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेलबिंट पे जा सकते हैं। देन हम एपीआई कॉल्स के बारे में आपको सीखना होगा। एपीआई कॉल्स में आप रेस्ट एपीआई और ग्राफक्यूएल में पहले रेस्ट एपीआई से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सियोस और फेस को आप प्रेफर कर सकते हैं। देन उसके बाद आप ग्राफक्यूएल में आ सकते हैं, जहाँ की आपको अपोलो एज अ प्रिफर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देन हम फॉर्म्स और फ्रेमवर्क को सीखने जाएंगे। उसमें फॉर्म्स में आप रिएक्ट, हुक फॉर्म्स, फॉर्मिक, ये दो पैकेजेस हैं जो मेनली यूज होते हैं, इनका यूज करेंगे, आप सीख जाएंगे प्रॉपर फॉर्म हैंडलिंग किस तरीके से होती है। और देन फ्रेमवर्क में आप जाएं तो नेक्स्ट जेएस को प्रेफर कर सकते हैं। देन आप टेस्टिंग में आएंगे तो आप जेस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये एंड में हमने एक रिविजन भी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरीके के टॉपिक्स पे आप ये वीडियो हमसे चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चीन टपाक डम डम।